स्टार्टिंग में जब बना हुआ तो खुला होगा, नहीं बंद रहता है अक्सर। तो लोग बगैर मजबूर होते होंगे, कैसे करते हैं? चलते हैं, कोई इधर जावा कोई इधर जावा, दूसरी जगह जावा। वहाँ ही सरकार कह रही है बाहर शौच नहीं करना, और अगर बंद मिलेगा तो क्या होगा? करेंगे, शौच तो मजबूरी है, उसे करना पड़ेगा, शौच रोक के थोड़ी जा सकता है। क्या लगता है इसके पीछे क्यों बंद रहते हैं ये? लापरवाही है पब्लिक की, एम्प्लॉइज की लापरवाही है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है जी। तो जैसे करनाल को स्वच्छता में पहला स्थान, कूड़ा करकट फ्री में पहला स्थान मिल रहा है, या देश में तीसरा स्थान मिल रहा है, तो ये कैसे दिया जा रहा है? बस बनवा दिए, दिखा रहे हैं जी, दिखा तो रहे हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। अधिकारी वाही लूट रहे हैं इसमें, दिखा दिखा के, या क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बनवा दिए उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, बनने के बाद कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। यही कहना चाहूँगा, यहाँ जिसकी ड्यूटी लगी हुई है वो अपना काम ठीक ढंग से करें, पूरे पार्क में सफाई रखें, और करनाल अच्छा शहर लगे साफ सफाई के मामले में। जिनकी यहाँ किसी की भी ड्यूटी लगी हुई है वो अपना काम अच्छी तरह से करें। जैसे ये यहाँ पार्क में बैठे हैं और साथ में ये गंद पड़ा हुआ है, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, ये ठीक नहीं है, ये पार्क है। जैसे करनाल को गार्बेज फ्री करने में नॉर्थ जोन में पहला स्थान मिला है जी, और देश में तीसरा स्थान मिला है, क्या लगता है सर, नेशन टीम क्या क्या चीज़ देखती है जब आप लोग ये सब नागरिक हैं, आप जनमान्य नागरिक हैं, तो क्या ऐसे आपको लगता है कि नहीं पीछे क्यों है हमारा देश? इसलिए तो पीछे है कि जो यहाँ के उनको सैलरी मिलती है, जो काम करते हैं सारा कुछ मिलता है, लेकिन वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे, सफाई नहीं कर रहे, जो कचरा पड़ा है ट्राली में भर के यहाँ से निकाला जाए। पार्क है ये, पार्क के अंदर इतना देखिए शौचालयों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पर इनकी टूट फूट की जो शिकायत है, समस्या है, वो सबसे अधिक आती है। तो इसके लिए हमारी जो टीम है वो निरंतर फील्ड में काम करती रहती है। हर जोन के लिए हमने प्लम्बर रखे हुए हैं, वो प्लम्बर और हमारी सैनिटेशन ब्रांच और इंजीनियरिंग विंग तीनों ही शाखाएं मिलके इसमें काम कर रही हैं। कुछ शौचालय ऐसे थे जिन पे ज़्यादा टूट फूट की समस्या थी या वाटर सप्लाई का इशू था, वहाँ पे वो सारे के सारे कुछ के रिजॉल्व करा दिए हैं, कुछ पे काम चल रहा है। जल्द ही सारे के सारे शौचालय जो हैं वो पूर्ण रूप से दुरुस्त करके जनता के प्रयोग के लिए तैयार होंगे। ये छोटी मोटी कोई टूट फूट की समस्या है, इसमें कोई भी शौचालय इस तरह से परमानेंट बंद नहीं पड़ा। सर, करनाल पे भी एक शौचालय बनाया है, करीब दो महीने पहले वो चल रहा था, अभी ताले लटके हुए हैं, काफी लोग परेशान भी हो रहे हैं पर, और सोच भी बाहरी करते हैं। देखिए मुगल करनाल पे तो जो शौचालय जो है वो चालू है और बहुत अच्छी हालत में है,